बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ राहिल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन डॉट 99 पर। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट हम इसको लेंगे, फिर हम इसके साथ मॉलिक्यूलरिटी को भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सिंपल अल्फाज में याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो कितने मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। देखें सिंपल अल्फाज में, हमारे पास एक रिएक्शन है ए, मैं एक जनरल और बिल्कुल सिंपल रिएक्शन से लेकर इस बात को आपको समझाना चाहूँगा। ए कोई रिएक्टेंट है, ये हमें क्या दे देता है, प्रोडक्ट दे देता है। यहां तक बात आपको क्लियर? अब अगर इस रिएक्शन के लिए मैं इस रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन लिखूं, जैसे आपने पढ़ा ना रेट डी एक्स बाय डी टी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, जिसे आपने रेट का नाम दिया था उसको हम डी एक्स बाय डी टी से लिखते हैं। ठीक है, और दिस विल बी इक्वल टू के प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आर रेट कांस्टेंट ए। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखी है इसको हमने कहा था रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, अब अगर हम एक ऐसा रिएक्शन लें, फॉर एग्जांपल देखो ए प्लस बी, अब यहां पे इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर लेते हैं। देखिए हमें कहते हैं कि इस रिएक्शन का जो ए के लिए कोफिशिएंट है, यानी कि ए के जो मोल्स हैं वो ये और बी, और हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाता है। अब अगर इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखा जाए तो क्या होगा, देखिए डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू के इनटू ए रेज टू पावर स्मॉल ए एंड बी रेज टू पावर बी। अब देखिए इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन हमने क्या लिखी, ये लिखी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, ये तो हमने पहले से क्लियर किया हुआ है कि किसी भी रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे। ठीक, अब रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म आ रही है उनकी जो एक्सपोनेंट का सम आएगा दैट इज बेसिकली नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखें अब इस रेट एक्सप्रेशन में एक कंसंट्रेशन टर्म ये है, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म ये है, और दीज आर एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ए बी, दिस इज सम ऑफ ए एंड बी, दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां तक थ्योरेटिकली बात आपको समझ आ गई होगी कि यहां से क्या हुआ है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन अ रेट एक्सप्रेशन। देखिए यहां पे आपने इसको यूं लेना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन अ रेट एक्सप्रेशन। That is basically order of reaction. तो यहां तक ये बात आपको समझ आ गई कि order of reaction का क्या मतलब होगा कि एक reaction में जो concentration terms हैं, यानी कि rate expression में जो concentration terms हैं उनके exponent का जो sum आएगा। अब यहां पर इसका असल concept समझना है कि ये order of reaction basically आपको बता क्या रहा होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि वो रिएक्शन रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने एक जनरल रिएक्शन लिया। अब फॉर एग्जांपल देखो ये एक रिएक्शन है Br2, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, ये अगर डीकंपोज हो तो क्या बनेगा, 2Br। ठीक है, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखी जाए तो क्या होगी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के
इंटू बी आर टू। अब देखिए ये रेट एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए है। अब यहां पर इसकी पावर क्या है, वन, इसका मतलब है इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वन। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये किस पर डिपेंड करेगा, ब्रोमीन की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्डर के साथ, फर्स्ट ऑर्डर के साथ कि अगर आप ब्रोमीन की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। तो यहां से आपको ये बात क्लियर हो गई कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें एक्चुअली क्या बताता है, कि इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें ये बताता है कि एक रिएक्शन कितने रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स ओके। इसी तरह देखिए एक और एग्जांपल इसको समझे कि हम अगर ये लें H2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, हाइड्रोजन और Cl का रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में क्या होगा, देखिए HCl बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखें क्या बनेगा, dx/dt के ये रेट एक्सप्रेशन आ गई। अब इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, तो इसके लिए सम क्या बनना चाहिए, टू बनना चाहिए। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पे क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। लेकिन यहां पर टू नहीं है, इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कि याद रखना है कि इस रिएक्शन में ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना तो वो H पर डिपेंड करेगा ना Cl2 पर डिपेंड करेगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर। दिस इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लिहाजा ये H2 और Cl2 की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस रिएक्शन के लिख के बताने का मकसद ये था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, ये थ्योरेटिकल नहीं है। तो पहली और इंपॉर्टेंट बात जो आपने इसके लिए याद रखनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल, एक पॉइंट, ठीक है। अब इसी के साथ यहां पे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बात की, इसी के साथ हम उसको ले लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी को, फिर दोनों को हम कंपेयर करेंगे। देखें यहां पर नंबर टू मॉलिक्यूलरिटी, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैंने आपको क्लियर किया कि ये क्या है, ये हमें ये बताता है कि एक रिएक्शन का रेट कितने रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, ठीक हो गया। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये है कि एक रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आप ये कहोगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। अब देखिए जैसे हमने यहां पे ये कहा था कि ये रिएक्शन लिया H2Cl2, ठीक है, ये क्या बता रहे, अब मॉलिक्यूलरिटी इसके लिए क्या है, दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, इट्स मीन मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन के लिए क्या है, टू है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो ये एक पहली चीज आपने यहां पे ध्यान में रखनी है कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दिस इज एक्सपेरिमेंटल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है। और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी है दिस इज थ्योरेटिकल, ये पहली चीज आपने ध्यान में रखी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम रेट एक्सप्रेशन से ये तो बताते हैं कि रेट एक्सप्रेशन में जो सम ऑफ एक्सपोनेंट टर्म आएगी दैट इज आल्सो इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है
कि दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल एंड दिस मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल. ठीक हो गया. नंबर टू याद रखना है, दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो में भी इन फ्रैक्शंस. ठीक है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है एंड होल नंबर भी हो सकते हैं. ठीक हो गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, ठीक है, और होल नंबर भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूलरिटी है दिस इज ऑलवेज इन होल नंबर. मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, हमेशा होल नंबर की टर्म में होगी. ठीक हो गया. तो यहां तक आई होप कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फर्क आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है. ठीक है, अक्सर लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं लेते कि मेन हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या मिल रहा है, वो हमें बता क्या रहा है. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपने जहन में ये बात याद रखनी है कि ये एक्सपेरिमेंटल है और हमें ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो उम्मीद है